कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले, खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और संगे संग जत्रु भाई बटले भी किसान मन रोर मन का स्वागत है कार्यक्रम में। और हमारे मन कार्यक्रम करो और कार्य चाहिए। बिल्कुल, और जब हम शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी जानकारी हम आपको फटाफट दिलाते हैं कृषि समाचार के माध्यम से। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं सभा गुलरेस। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लातेहार के 3 श्रेष्ठ पशुपालकों को सम्मानित करने की है योजना। बुढ़मू के लावागढ़ा में किसान मेला का आयोजन। गोभी वर्गीय फसल में फूल आने के बाद करें बोरेक्स दवा का छिड़काव। और अब समाचार विस्तार से। गव्य विकास निदेशालय पशुपालन एवं मत्स्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा लातेहार जिला अंतर्गत गव्य विकास से जुड़े 3 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करने की योजना बनाई गई है। इस योजना से लाभ उठाने के इच्छुक गौपालक 10 फरवरी 2014 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। पुरस्कार के लिए 3 लाभुकों का अंतिम रूप से चयन क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय गव्य विकास कार्यालय रांची की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। पिछले दिनों बुढ़मू के लावागढ़ा गांव में क्षेत्रीय रामकृष्ण किसान मेला का आयोजन किया गया। ये मेला विवेकानंद ग्राम विकास केंद्र लावागढ़ा एवं रामकृष्ण मिशन आश्रम के साझा प्रयास से आयोजित किया गया। इस मेले में नजदीकी गांवों से बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। मेले में किसानों ने विभिन्न किस्मों के फल, सब्जी और पशु पक्षियों की प्रदर्शनी लगाई। मुख्य अतिथि के तौर पर BAU के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर RP सिंह रतन मौजूद थे। मौके पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। जो किसान गोभी वर्गीय फसल की खेती कर रहे हैं, वो फसल में गोभी आने के बाद बोरेक्स दवा का छिड़काव करें। इससे फूल ज्यादा चमकदार होगा, जिसे किसान अच्छी कीमत पर बेचकर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय फसलों में इस समय जब आपके पौधे में फूल आ गया हो तो उनको जो है आप ढक दें, पत्तियों से ढक दें, साथ ही साथ बोरेक्स का जो है छिड़काव करें, जिससे आपकी जो है फूल जो है चमकदार रहेगी और उसमें जो शाइनिंग बनी रहेगी, जिसको मार्केट में ले जाते हैं तुरंत आपका बिक्री हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। जो किसान सब्जी फसल मूली की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए जापानी वाइट, पूसा हिमानी, पूसा रोशनी, पूसा चेतकी, पूसा देशी या कांशी हंस नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इन प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मूली की खेती के लिए किसान 4 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। बुआई में कतारों के बीच और पौधों के बीच 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इस फसल से अच्छी उपज पाने के लिए किसान विदेशी किस्मों में जापानी वाइट और देसी किस्मों में पूसा हिमानी, पूसा रोशनी, पूसा चेतकी, पूसा देशी या पूसा हंस नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। देशी मूली की उपज क्षमता 150 से 200 क्विंटल और विदेशी मूली की उपज क्षमता 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो किसान टाल जमीन में विभिन्न फसलों की खेती कर रहे हैं, वो अपने खेतों में निकोनी का काम करने के लिए पेगहो नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। अब समय हो चला है एक सफल किसान से मिलने का, तो आइए सीधे किसान से रूबरू होते हैं। मिट्टी की उर्वरता बरकरार रहे तो कृषि उत्पाद की भी गुणवत्ता बनी रहती है। आज जो किसान हमारे साथ हैं, वे यही सोचकर अपनी फसलों में जैविक और रासायनिक उर्वरकों का बहुत ही संतुलित उपयोग करते हैं और यही इनकी कामयाबी का राज भी है। मेरा नाम है कलेश्वर महतो, पिताजी का श्री पंचानन महतो। हम लोग यही श्री विधि द्वारा ही सब कुछ कृषि विज्ञान से ही हम लोग सब कुछ करते हैं। अगो पहले वाला तो छोड़ दिए सर, पहले वाला तो जो लगाते थे बीज उसमें तो ज़्यादा लगाते, लेकिन ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन कम ही लगाते हैं, लेकिन कम ही हम लोग को ज़्यादा उपज होता है। इसी में हम लोग को
पढ़ाई लिखाई लड़का बच्चा का सब कुछ भरण पोषण इसी में सब हो जाता है। खाना पीना हम लोग सब कुछ थोड़ा बहुत बचबो करता है, इसीलिए सब हम लोग चलाते हैं इसीलिए। और अब एक नज़र राज्य के पांच प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के पांच प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपए से 2500 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2800 रुपए, चावल उत्तम 3700 रुपए से 4350 रुपए, गेहूँ 1800 रुपए से 2100 रुपए, चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, दाल अरहर 5600 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4700 रुपए से 5600 रुपए, दाल चना 4000 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3200 रुपए से 3300 रुपए, आलू 850 रुपए से 1050 रुपए और प्याज 1000 रुपए से 1200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जोहार। किसान मन एखन हमारे मन देखत रही कृषि समाचार, और कृषि समाचार कर तहत बहुत सन जानकारी हमारे मन ले ली, जैसे जानकारी हमारे नवा नवा जो तकनीक है कृषि से संबंधित से बारे में जानकारी ले ली, और साथ ही मौसम के मिजाज के बारे में जाना, मंडी में किस तरह का जो भाव चल रहा है उसके बारे में जाना, ताकि आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी सही पहुँच सके। एकदम सही बात है किसान मन। तो कार्यक्रम के तो हमारे मन जारी रखब, लेकिन ऊपर से पहले कुछ हमारे मन विराम ले। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें, और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है, और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा, और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल, इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिन भिनाहट में, खुशियों की आहट में, NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी का कृषि दर्शन में स्वागत है। एकदम।
आप तो ऐसा करके चाहिए कार्यक्रम कर और हो चुके है तो हमारे मन के जानकारी भी किसान मन के दे दो चाहिए। और जो आज की हमारी जो पहली वाली जानकारी है वो ये है कि जाड़े के मौसम में बहुत सारे लत्तेदार सब्जियां जो हम किसान लगाते हैं उनकी देखरेख सही नहीं हो तो उसमें बहुत तरह के कीट लग जाते हैं और कीट लगने से जितने भी फसल की जो वापसी होती है वो नहीं हो पाती है। सही बात है। देखो पिलुआ लागल से क्या है नहीं कि फसल खराब हो जाला और फसल खराब होल से हमरे मन के जे सीमित मात्रा में उत्पादन होला हमरे मन बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं करे पारीला तो भाई हमरे मन कर बहुत सनी घाटा है। ये घाटा से बचे के चाहिए हमरे मन के जानकारी बहुत जरूरी है कि कीट से हमरे मन कैसे बचा सकेला अपन फसल के। तो आओ हमरे मन संगे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी जे हमरे मन के बताते हैं कि भाई फसल में जे कीट अगर व्याधि लग जाते तो उसे हमरे मन कैसे अपन फसल के बचा सकेला तो आओ हमरे मन फटाफट जानकारी के। किसान भाइयों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे झारखंड प्रदेश में अभी के मौसम में बहुत सारे लत्तेदार सब्जी लगते हैं लेकिन कभी कभी उनमें बहुत सारे कीट भी लग जाते हैं और उनसे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि लत्तेदार सब्जियों में जो कद्दू हैं सीम है तो उसमें एक लाल रंग के कीट लगती है तो वो कीट क्या है और उससे बचने के हमारे बचने के लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपने पूछा है कि लाल रंग का जो कीट है ये जो आप जैसे ही लत्तरदार सब्जियां लगाते हैं आपका बीज जैसे आपका बीज आप लगाए उससे जैसे ही निकलना शुरू होता है एक दो पत्तियां आती हैं आप एक लाल रंग का कीट देखते हैं ऊपर की तरफ लाल होता है लेकिन पीछे की तरफ ब्लैक रंग का इसको हम रेड पंपकिन बीटल बोलते हैं। ये कीट क्या करता है मोस्टली रात्रि के समय में आकर के जो पत्तियां नई पत्तियां निकलती हैं उनको खा करके चट कर देता है और आपका जो जितना भी बढ़वार है वो रुक जाती है। तो इस रेड पंपकिन बीटल के लिए आपने जैसे पूछा कि इसका बचाव का क्या तरीका है रात को आता है पत्तियां काट देता है और इसके साथ किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो इस कीट का जो गर्भ है जिसको हम आप भुरली बोलते हैं नीचे जड़ों को खाता है और ये इसका एडल्ट है वो पत्तियों को खाता है तो आपका जैसे ही निकलता है वो सूख जाता है। तो इस कीट से रोकथाम के लिए किसान भाई अपना खुद का भी बचाव कर सकते हैं जो घर की राख है उसको अच्छी तरह से छान करके और जैसे ही निकल रहा है उस पर इतना ज़्यादा नहीं दे कि आपका वो प्लांट जो है उसकी बढ़वा रुक जाए या उसकी पत्तियां जलने लग जाएं। तो इसलिए आप एक बहुत महीन उसका बुरकाव उनके ऊपर कर दीजिए जिसकी वजह से कीट उसको खाना पसंद कम करता है जी। तो इस कीट को खाने से पसंद करने के लिए आप एक राख का बुरकाव कर सकते हैं। अगर संभव है तो उस राख में आप कार्बारिल पाउडर जो सेविन के नाम से मार्केट में मिलता है वो थोड़ा मिलाकर करेंगे तो आपका कीट पूरी तरह से आपका नियंत्रण हो जाएगा और आपकी फसल बच जाएगी। अगर कार्बारिल नहीं मिल रहा है तो आप एंडोक्साकार्ब जो 1 ml को 1 liter पानी में मिला करके 1 ml को 2 liter पानी में मिला करके इसका छिड़काव करेंगे। ध्यान रखें कि प्लांट बहुत छोटा है तो उसके पास में आपको जस्ट स्पॉट स्प्रे जिसको हम बोलते हैं वो कर करके आप अपनी फसल को आरंभिक अवस्था में बचा सकते हैं जी। डॉक्टर साहब जब फसल बड़ी होती है जब उसमें कली लगती है तो कली में हम अक्सर देखते हैं कि चेपा लग जाती है तो वो चेपा क्या है और हमारे किसान भाई उससे कैसे बच सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि उसमें जैसे ही कली आपकी बढ़ना शुरू होती है आपकी लत्तरदार सब्जियां लत्तर जहां से बढ़ता है जहां नई नई पत्तियां निकलना जिस नई पत्तियां जहां से निकलती हैं वहां पे आप ध्यान से देखना कि जो आपका लाही कीट है जिसको आप लाही है उसकी वजह से आपका चेपा भी लग जाता है और बढ़वार वहां से रस चूसता रहता है और आपकी जो लत्तर है उसकी जो बढ़वार है वो रुक जाती है। तो किसान भाई इसके लिए रोकथाम के लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि जो लाही है उसके लिए आप अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो छिड़काव के लिए कॉन्फिडोर जो 1 ml को 3 liter पानी में मिला करके कॉन्फिडोर अगर नहीं मार्केट में आपके वहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो आप इसमें रोगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगर की जो मात्रा है वो है 2 ml 1 liter पानी में मिला करके आप एक छिड़काव कर सकते हैं। अगर दोनों ही आप उपलब्ध नहीं है तो घर में जो नीम सीड कर्नेल्स हैं जो नीम के बीज हैं उनको पीस करके 24 से 48 घंटे तक पानी में भिगो करके उस पानी को छान करके उस जैसे ही पानी छाने हैं उस पानी में आप सर्प एक्सल का पाउडर या फिर शैम्पू मिला करके 10 ml 10 liter पानी में एक शैम्पू का सेसे मिला करके और जो कश निकला है जिन नीम के बीजों का तो वो उसका छिड़काव करके भी आप फसल को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब अक्सर हम देखते हैं कि कद्दू के जो पत्ते होते हैं जो लतेदार सब्जियों के पत्ते होते हैं उसमें सांप जैसा एक आकृति बन जाता है तो हमारे किसान भाई को ये भ्रांति है कि वो कुछ दैवीय प्रकोप या तो वो क्या है और किसान भाई उस जो
कीट लगते हैं जो, वो उससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, आपने पूछा कि जो सांप जैसी आकृति बनाता है उसके अंदर कीट लगता है, ये कीट पहले ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि जो पत्तियाँ होती हैं, जो बीच वाली पत्तियाँ, ज़्यादा ओल्डर नहीं और बीच वाली पत्तियाँ हैं, उसमें सांप जैसी आकृति बनता है। अगर हम उसको सूर्य के प्रकाश की तरफ करके देखेंगे तो उसमें बहुत छोटा सा एक कीट मिलेगा गर्भ, जो वो अंदर ही अंदर पत्ती को खाता रहता है, जिससे उसका भोजन बनाने की जो अक्षमता है वो कम हो जाती है और आपका पौधा कमज़ोर रहता है। तो इससे सबसे पहले आपको ध्यान देना का, जैसे ही आपको वो आकृतियाँ बनने शुरू हो, उस पत्तियों को आप तोड़ करके नष्ट कर दें। अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए आप जो हमारे पास में ट्राइजोफोस है, जो ट्राइजोफोस इसका स्प्रे कर सकते हैं। ट्राइजोफोस 1.5 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके, या ट्राइजोफोस के साथ में नोवाल्यूरोन, नोवाल्यूरोन भी 1 ml 1 लीटर पानी में मिला करके, अगर नोवाल्यूरोन जो ट्राइजोफोस दोनों दवाई अगर नहीं मिल रही हैं, तो डेकामेथ्रीन जो पाउडर है, इस पाउडर को 1 ग्राम पाउडर को 3 लीटर पानी में मिला करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, इस सरपेंटाइन जिसको लीफ माइनर हम बोलते हैं, इसकी रोकथाम के लिए। डॉक्टर साहब, ये सारे उपाय करने के बाद भी जब फूल लगते हैं हमारे फसल में तो वो फूल झड़ जाते हैं, तो इसके पीछे भी कोई कीट का प्रकोप है या फिर वो मौसम के कारण, तो वो क्या है? किसान भाई, जैसे हाँ, अगर आप जैसे अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं कि काफ़ी बार आपका जो फूल है वो झड़ जाता है, फूल के झड़ने का पीछे रीजन है कि अगर नर और मादा, क्योंकि लतरदार कई सब्जियां जिनमें नर और मादा अलग अलग फूल पे आते हैं, नर फूल वैसे भी झड़ जाता है, लेकिन मादा फूल भी अगर झड़ रहा है, अगर वो फल बनने से पहले ही झड़ रहा है, तो आप जैसे ही कली जो बनती है फूल की उसको खोल के देखेंगे तो उसमें एक बहुत छोटा सा कीट मिलेगा, जो आपके जो पंखुड़ियाँ हैं उसको खुरच खुरच के खाता रहता है और आपका फूल जो फल बनने से पहले ही झड़ जाता है। तो इस कीट की रोकथाम आप जस्ट खोल करके देखना, इसको खोल के देखेंगे आपको वो कीट मिलेगा। इस कीट की रोकथाम के लिए आप 1 तारा पाउडर को 1 ग्राम पाउडर को 3 से 4 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। इसी के साथ में अगर 1 तारा पाउडर नहीं है तो आप फिप्रोनिल जो रिजेंट के नाम से मिल रहा है उसको 1 ml 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये कार्यक्रम के देख लिए और बहुत नगद जानकारी के हमारे मन के दिलाए विशेषज्ञ, तो जानकारी हो गया, अब हम सोचिए कि हमारे जो फसल है भाई, यानी किसान के साथ साथ आपने भी जो एकदम अच्छी जो जानकारी थी वो ले ली ना, एकदम भाई, चलिए बढ़िया बात है। और इसी के साथ साथ हमने और एक जानकारी लाई है, तो वो सोचते हैं कि हम भी फटाफट दे देते हैं। एकदम जानकारी है कि भाई देखो, खेती बाड़ी हमारे करा थी, कृषि से संबंधित हर तरह का काम हमारे मन करीला, कि सब्जी फसल कर उपज हमारे मन करीला, अन्न के लगाईला, तो संगे संगे पशुपालन कर अगर हमरे मन काम कर रहे थे तो हमरे अंदर आय में वृद्धि हुआ थे। बिल्कुल, और बात की जाए अगर शुक्रों की तो बहुत बड़े पैमाने पे जो हमारे किसान हैं वो शुक्रों को पालते हैं और साथ ही उसका जो बिजनेस होता है, जो बोलते हैं व्यापार है, वो काफी बढ़िया होता है। तो किसान मन, आओ हमरे मन देरी नहीं करके जानकारी के बारे में कर लेवे ला, जानकारी हमरे मन के देवे डॉक्टर रविंद्र कुमार, ताओ हमरे मन जानकारी कर लेवे थी। ऐसे किसान भाई जो कि शुकरों को पालते हैं और उनसे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए जाड़े के मौसम में कितनी आवश्यक है कि वो विशेष तौर पर क्या क्या प्रबंध कर सकते हैं, तो इस विशेष जानकारी को देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बीरसा कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। जाड़े के मौसम का छौनों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है? जाड़े का जो मौसम अभी आ चुका है कह सकते हैं, और अभी तापमान वातावरण का काफ़ी कम हो गया है, तो इसमें खास करके छौनों पर बहुत ही ज़्यादा असर होता है, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि ये जो छोटे जो छौने होते हैं, इसका तापमान जो होना चाहिए, वातावरण का जो तापमान मिलना चाहिए वो लगभग 80 से 90 डिग्री फॉरेनहाइट, या कह सकते हैं कि 25 से 30 डिग्री जो है फॉरेनहाइट उसका सेंटीग्रेड जो है उस वातावरण का तापमान होना चाहिए, उसको जो वातावरण मिलता है वो, अगर उससे वातावरण ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है वातावरण का, तो इसका सीधा असर उसके छौनों पे पड़ता है, कि उसके शरीर का तापमान जो है वो घटने लगता है। तो इससे क्या प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है इसमें है कि वो बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि वो दाना कम खाने लगते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, उसमें बीमारियां हो सकती है स्ट्रेस के कारण, और इसमें मृत्यु दर जो होता है वो बच्चों में काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए ठंड के मौसम में आने से पहले जो है, ठंड से पहले ही हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से जो भी उसमें उचित प्रबंधन है वो करना चाहिए, और आवास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, और जो है खान पान का उचित देखभाल करना चाहिए, जिससे कि इससे होने वाली हानियों को काफ़ी कम कर सकते हैं, क्योंकि सूखों में ज़्यादातर जो
देखते हैं कि जो लाभ होता है वो छौनों से ही होता है। छौने अगर मृत्यु दर बढ़ जाती है, छौने मरने लगते हैं, तो इसमें किसान भाई बिल्कुल निराश हो जाते हैं, उनको काफ़ी हानि होती है। इसलिए उचित प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है, इसमें आवास और जो है खान पान का उचित प्रबंधन करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये जान लें कि आवास में हम किस तरह के परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि आवास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उचित आवास से ही जो छौने हैं उसको उचित वातावरण दिया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि इतना तापमान उनको चाहिए वातावरण का, तो इसलिए उचित वातावरण देने के लिए आवास की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ है कि बेडिंग, जो साफ़ सुथरे बिछावन होने चाहिए उसमें, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे सुकर जो बाड़े होते हैं वो पक्के के बने होते हैं, सीमेंटेड होते हैं, तो काफ़ी ठंडा हो जाता है अगर ठंड के मौसम में देखते हैं। तो अगर बिछावन नहीं देते हैं तो उसके शरीर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो होता है वो फ्लोर से होता है, और जिससे उसका शरीर जो है उसके तापमान कम होने लगता है, शरीर ठंडा हो जाता है। तो इसमें बिछावन बहुत ही, बिछावन के रूप में हम पुआल या भूसा का उपयोग कर सकते हैं, ठंड के मौसम में उसको दे दें और वहाँ पर रखें। अगर ठंड काफ़ी बढ़ जाती है, जैसा कि कहीं कहीं का तापमान 1 डिग्री 2 डिग्री 0 डिग्री भी हो जाता है, तो उस समय एक्सटर्नल हीट देने की ज़रूरत होती है कि बाहर से जो है कि वो हीटर या बल्ब का व्यवस्था करें, जिससे कि अंदर रूम का तापमान वो जो है कि वो मेंटेन हो। आप उसमें रूम ये थर्मामीटर भी रख सकते हैं, जिससे कि उसका तापमान मेजर कर सकें, क्योंकि वातावरण का तापमान जो है छौनों के लिए 80 से 90 डिग्री फॉरेनहाइट होना चाहिए। उसको तापमान कर मेजर करके उस तरह से उसको आप लोग एक्सटर्नल हीट दे सकते हैं। उसके अलावा जब वातावरण खुला है, धूप है, तो उसमें धूप में निकलने की व्यवस्था करें कि बाहर से निकल करके वो धूप जो है वो ले सकें। उसके बाद जो ठंड के मौसम में छौनों पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मुख्य रूप से तेज़ हवाएं जब बहती है या फिर जो है कि ह्यूमिडिटी वातावरण का बढ़ जाता है, उस समय होता है। तो तेज़ हवाओं को रोकने के लिए जो खिड़की दरवाजे हैं उसको अच्छी तरह से बंद कर दें कि बाहर से कुछ भी हवा जो है उसके आवास में नहीं जाए, जिससे कि अंदर का आवास का जो वातावरण है वो गर्म रहता है। उसके अलावा उनको नहलाएं नहीं, छोटे जो छौने होते हैं उसको पानी से उसको नहलाएं नहीं, पानी से धोएं नहीं, और जो है कि उसके शरीर को बिल्कुल सूखा रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर शरीर सूखा रहेगा तो मृत्यु दर को हम लोग जो है वो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। उसके अलावा आवास की साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें, और ये कोशिश करें कि अंदर जो बाहरी जो वातावरण है, खास करके रात के मौसम में, रात के समय में या सुबह के समय में जो जब वातावरण काफ़ी ठंड होता है, तो उसका प्रकोप जो है अंदर के वातावरण पर ना हो। तो आइए अब हम ये जान लें कि खान पान पर क्या व्यवस्था कर सकते हैं, और खान पान के बाद जो बीमारियाँ हो सकती है इस मौसम में, उसके बारे में भी हम साथ साथ जान लेते हैं। हाँ, खान पान पर विशेष छौने पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सबसे पहला है कि उचित वातावरण मेंटेन करें अंदर बाड़े का। दूसरा चीज़ है कि आहार व्यवस्था की यदि बात करते हैं, तो आहार व्यवस्था में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पानी की व्यवस्था, खास करके ठंड के मौसम में जब पानी का भी तापमान जो होता है काफ़ी कम हो जाता है, ठंडा होता है पानी, तो जानवर जो है, पशु जो है, सूकर हैं, वो पानी पीने से कतराते, पानी उतना पी नहीं पाते। इसलिए अगर संभव हो तो पानी जो है वो गर्म करके या थोड़ा सा उसमें तापमान जो है उसको, पानी के तापमान को बढ़ाकर उसको पिलाने की कोशिश करें। उसके अलावा ग्रेन्स की मात्रा को बढ़ा दें, क्योंकि इस समय जो है कि वो उसको एनर्जी के लिए ज़्यादा जो है वो ग्रेन्स जैसे मकई दे देते हैं इसमें, तो उसकी मात्रा को थोड़ा बढ़ा दें, या जो किसान होटल वेस्ट पर रख रहे हैं उसमें ठंड के मौसम में कुछ मकई उसमें ज़रूर मिक्स कर दें, ताकि उससे जो है एनर्जी उसको मिल सके और वो ठंड के मौसम में जो है उससे लड़ सके, जो प्रतिकूल वातावरण से है उसमें वो सर्वाइव कर सके। तो ग्रेन्स की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, उसके बाद कुछ फैट की मात्रा है वो दे सकते हैं। आप कुछ मिनरल्स और विटामिन्स एक्स्ट्रा, जैसे फीड में मिनरल्स विटामिन 1% हम लोग ऐड करते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा मात्रा अगर और 0.5% अगर बढ़ा दें, तो ये उसमें जो है उस मृत्यु दर को काफ़ी हद तक कम कर सकती है और ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकती है। तो इस तरह से हम लोग आहार में कुछ परिवर्तन करके जो है उसमें ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं। और जब बीमारियों की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से जो बीमारियाँ होती हैं, FMD जैसा कि जानते हैं कि ठंड के मौसम होता है, तो बच्चे को जब विनिंग अलग करते हैं माँ से 6 सप्ताह या 8 सप्ताह में, तो उसके बाद FMD की का टीकाकरण कर दें और हर 6 माह पर उसका टीकाकरण करें। जो किसान भाई ठंड का मौसम आने वाला है आप और जो छौने हैं या पशु हैं उसमें FMD का टीकाकरण नहीं किए हैं, तो उसका टीकाकरण अवश्य कर दें। और उसमें अभी चर्म रोग की भी थोड़ी बहुत संभावना होती है छोटे छौने में, तो उसके लिए जो है कि करंज का तेल का उपयोग करें। करंज का तेल में नीम का तेल और कपूर और गंधक मिला करके जो है उसका उपयोग करें, उसके शरीर पर लगाएँ, जिससे कि जो चर्म रोग की संभावना होती है वो दूर हो जाती है। और एक चीज़ है कि इक्टोपारासाइट जो अंतःकृमि है उसमें कृमिनाशक दवा ज़रूर दे दें, क्योंकि ये इक्टोपारासाइट के कारण वो जानवर ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, मौसम के कारण भी और ये जो इंडोपारासाइट्स हैं अंतःकृमि हैं उसके कारण भी। तो इसमें कृमिनाशक दवा यदि देंगे, एल्बेंडाजोल जैसे नमक दवा बाज़ार में उपलब्ध है,
तो उससे डॉक्टर की सलाह लेकर के देने से ये काफ़ी हद तक उसके स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, उसकी मृत्यु दर को कम कर सकते हैं और जो बढ़ने की क्षमता है और बच्चे देने की क्षमता उसको मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हमारे किसान भाई इस तरह से जो फॉलो करके के और जो इससे होने वाली हानि जो होती है उसके काफ़ी हद तक जो है वो बच सकते हैं। तो किसान भाइयों जो सुकर पालन करते हैं उनके लिए मैं आशा करती हूँ कि वो आज दी गई इस जानकारी से जाड़े के मौसम में जो अब बचा हुआ है उससे मैं जरूर अपनी एक विशेष व्यवस्था कर लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी हाँ, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली भी जानकारी काफ़ी बढ़िया लगी होगी और अगर आपने शुगर पाल रखा है तो अब उसकी सही जानकारी मिलने के बाद सही जो उपचार है वो आप कर पाएंगे एकदम। और देखो संगे संगे क्या है कि सब्जी के बारे में हमने जान ली, ओकर कीट व्याधि से किस हमारे बाइट से किला बचा से किला अपन फसल के सेके जान ली, संगे शुगर पालन के बारे में भी जानकारी। बिल्कुल, और इसी तरह हम और भी जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आपको बताना होगा अपना पता। तो जल्दी से लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। और ओरे मन हमरे मन के खत कर माध्यम से अपन विचार हमरे मन के लिख भेजब और सुझाव भी लिख भेजब भाई हमरे मन कार्यक्रम में और क्या तब्दीली कर सकी और मन खातिर क्या जानकारी लेके आ सकी। तो और हाँ, इसी तरह हम में से बने रहिए ताकि हम आपके पास ढेर सारी जानकारियाँ पहुँचाते रहे। तो आज के लिए इतना ही, हम दोनों को दीजिए इजाजत। जोहार।